जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज सोशल मीडिया। यहाँ पे चिंतपुगली स्टेशन। सर आपका नाम? सर मेरा नाम कमल गुप्ता है। हमने सुने 15 अगस्त के बारे में, आप कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज अली मुल्ला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने देश के प्रति दो शब्द कह चुकूं। 15 अगस्त का दिन भारतीयों के लिए किसी पर्व से कम नहीं, आज़ादी का गौरव का एहसास कराता है। ये दिवस न सिर्फ हमें आनंदित करता है बल्कि उन कर्तव्यों का बोध भी कराता है जिन्हें हम शायद आज भाग दौड़ की जिंदगी में भूले से जा रहे हैं। याद रखिए, सही मायने में आज़ादी को तभी अनुभव किया जा सकता है जब सब और खुशहाली और संप्रदाय होगी, सिर्फ जिम्मेदार नागरिकों के दम पर स्थापित होती है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इसी उपलक्ष में पूरा देश खुशियों से तिरंगा घर घर झंडा फहरा रहा है। आज हमारे देश में काफ़ी बदलाव आ चुका है, पहले जैसे हमारा देश नहीं रहा, काफ़ी तरक्की कर रहा है, हर फील्ड में हर चीज़ में आगे तरक्की देश के प्रति कर रहा है। और मैं ऐसे नौजवानों को भी नमन करता हूँ, उनका सलूट करता हूँ जिन्होंने अपने देश के प्रति मर मिट गए अपने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। ऐसे शहीद नौजवानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ, मैं उनका फैन तो हूँ। उनका मैं आपको एक छोटा सा मुखड़ा डायलॉग सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आवे। ये कहने को तो शहर है, सिर्फ कहने को, और इधर जंगल का कानून चलता है मालूम, जंगल का। चींटी को बिस्तुया खा जाती है, बिस्तुए को मेढक, मेढक को सांप निकल जाता है, नेवला सांप को मारता है, भेड़िया नेवले को चबा जाता है, शेर भेड़िए का खून चूस लेता है। इधर हर ताकत और अपने से कम को मार के जीता मालूम, मारकर। कह चुके नहीं, अभी बहुत कुछ कहने को बाकी है मालूम, बहुत कुछ बाकी है, पर वक्त नहीं हमारे पास और तुम्हारे पास वक्त नहीं, समझा? नहीं है वक्त बिल्कुल तुम्हारे पास, तुम समझता नहीं है। आप तो देशभक्ति के बारे में गाना तो गई, सॉन्ग तो सुनाइए। अच्छी बात है, यह भी आपकी ख्वाहिश पूरी किए देते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद।